दक्षिण मध्य मुंबई के शिवसेना उम्मीदवार राहुल शेवाले ने बताया कि वे होटल इंडस्ट्री की समस्या को सुलझाने के लिए कई कार्य कर चुके हैं। यही नहीं, सभी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए राहुल शेवाले केंद्र में आवाज भी उठा चुके हैं। यह जानकारी उन्होंने आहार द्वारा आयोजित बंदर भवन में नो योर एमपी कार्यक्रम में दी। राहुल शेवाले के साथ साथ विधायक प्रकाश भातर्पेकर और आहार संस्था के पदाधिकारी भी मौजूद थे। लोगों ने बताया कि किस तरह राहुल शेवाले ने होटल व्यवसायियों की समस्या को उठाते रहे हैं। काही चॅलेंज नाही आहे, चांगलं वातावरण आहे, शिवसेना भाजपाआरपीआयचं चांगला इथे लोकांचा सपोर्ट मिळत आहे आणि लोक देशहिताचा विचार करून यावेळी शिवसेना भाजपाआरपीआयच्या पाठीशी आहे। धन्यवाद। आहार ही आमची सगळं मित्रमंडळ आमचं घरचं आहे आणि नेहमी राहुल शेवाळे काय आणि मी काय हाही यांचा एक फॅमिली मेंबर आहे आणि यांच्या ज्या दुःख सुखामध्ये आम्ही नेहमीच हजर असतो आणि हे शिवसेना फक्त त्यांच्यासाठी नाही, सगळ्यांसाठी आहे। ज्यांची ज्याची कामं आमच्याकडे येणार आम्हाला त्यांना मदत करायचीच आहे, आउट ऑफ द वे जाऊन आम्ही मदत करतोय आणि त्यांच्यासाठी आम्ही हजर आहे। नाही, हम लोग का जो मीटिंग आज हुआ आहे, हम लोग राहुल शिवाले जो या प्रकाश भाई ये हम लोग का घर के जैसे है। हम लोग जैसा अपना आदर सिटी साहब जो है प्रेसिडेंट थे, उस टाइम में बहुत सारा इशू था। वो टाइम में हम लोग ने जैसे घर के जैसे जाके जैसे नहीं था कि वो MLA है, वो MP है, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट के हिसाब से बुलाना पड़ता। हम लोग घर का जैसे जाते थे। आज भी हम लोग किधर भी मिलता है तो घर का जैसे मॉल में मिलता है, तो कोई ये नहीं है कि तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम को लोगों ने सॉल्व किए हैं। इसका वजह से हमारा भी दायित्व बनता है उनके लिए कुछ करना है। तो आदर सिटी साहब ने तो उनकी जो कार्यकाल में जो भी हम लोग को हेल्प किया है, आज भी अभी बीच में भी अभी जो भी जो TRC का जो मैटर था उसमें भी सब जगह हम लोग को किया। प्रकाश भाई भी हम लोग को रोज हम लोग का मिलना जुलना है, आपको भी मैं कल भी मिला था। तो आगे है, हम लोग को आगे भी हम उनको सपोर्ट करेंगे, वो हमको सपोर्ट करेंगे। ये एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन है, हम उनके साथ है, वो हमारे साथ है। ये हमें विश्वास भी है और भरोसा भी है कि राहुल शेवाले जी अगर अगले बार चुन के जब आएंगे तभी जो हमने जो उनके सामने जो मुद्दे रखे हैं वो मुद्दे पे वो जरूर उसके बारे में गौर करेंगे और वो मुद्दे को वो अंजाम तक पहुँचाएंगे। हमें इस बात का हमें विश्वास भी है और भरोसा भी है, बिकॉज राहुल शेवाले जी कम बोलते हैं लेकिन जो भी बोलते हैं वो बरोबर समझ के बोलते हैं और जब बोलते हैं तो उसको करते हैं। जैसे सबसे बड़ा कमला मिल के बाद जो फायर का वगैरह जो फायर का जो इश्यू हो गया उसको लेके उन्होंने कमिश्नर साहब तक रिप्रेजेंटेशन किया। उसके बाद अभी जो है हम लोग का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इश्यू है जो पूरे होटल इंडस्ट्री को आज के तारीख में एक लिटरली एक हैंगिंग सोर्ड की तरह है। उसको भी उन्होंने सेंट्रल कमेटी में वो भी सदस्य है, वो सदस्यता में उनका भी है, उनका नेतृत्व में ताजमहल होटल में उसका कमेटी का मीटिंग हुआ। वो कमेटी मीटिंग में उन्होंने इतना स्ट्रांगली कमिश्नर को कहा कि हम आपको पॉलिसी बना के देंगे, वो पॉलिसी के तहत आपको काम करना पड़ेगा और इस तरीके से नहीं कर सकते कि कचरा नहीं उठाना, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज होटल वाले का काम है होटल में व्यवसाय करना, उनको खाना बनाना और लोगों को खाना वाजिब दाम में देना। अगर आप बोलेंगे कि कचरा भी उनको संभालना है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसका जो भी है हम लोग सेंट्रल से उसको पॉलिसी बना के देंगे। इतने स्ट्रांग उन्होंने एक कमिश्नर साहब को मैसेज दिया और मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों में होटल वाले को इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। राहुल शेवाले जी का जो काम हुआ है तो उनको तो नो डाउट है कि मतलब कंपटीशन कोई है ही नहीं वैसा। तो साथ में हम लोग का चमोली विभाग में जो आमदार है हम लोग का प्रकाश बाबू, तो उनका काम का वजह से तो उनके लिए तो और इजी हो गया ये चीज़ इलेक्शन के लिए। और शेवाले साहब का तो सवाल ही नहीं है तो इलेक्शन के लिए विन होने का। किस तरह आप लोग एक्टिव है, लोगों को किस तरह जोड़ रहे कार्यकर्ताओं से, किस तरह आप अपील करेंगे वोट करने के लिए? नहीं, कार्यकर्ता ऑलरेडी उनको उत्साह है कि राहुल शेवाले जी को वोट देना है और जिता के लाना है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम लोग वापस आना देखना चाहते हैं, वही हिसाब से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको। जैसे MP साहब हमारे राहुल शेवाले साहब है जो मतलब कोई भी बोल नहीं सकेगा कि वो हारेंगे बोल के, वो तो जीतने ही वाले हैं। पर हम लोग क्या यही प्रयास रहेगा कि वो भारी वोटों से और ज़्यादा जीते, बरोबर ना। और कार्यकर्ता तो पहले से ही लगे हैं वो काम के लिए, शिवाले जी ऑलरेडी काम करते हैं और लोगों के संपर्क में हैं और लोगों का काम भी कर रहे हैं, बरोबर। वो आज कोई भी आदमी उनके पास जाता है
तो वो काम करते ही है और लोगों की समस्या कैसे छुड़ाए वो करते हैं। बल्कि भाव भी हमारे लिए, हम आधी रात को भी फोन करेंगे तो भाव हमारे लिए खड़े हैं। तो वही हिसाब से राहुल शेवाले तो जीत के आने वाले हैं और वो उनको मतलब बोल नहीं सकते, उनके विरोध में भी कोई इतना स्ट्रांग है ही नहीं कांग्रेस का। तो भाव का ये राहुल